एपिसोड की शुरुआत में उस जगह को दिखाते हैं जहाँ पर नेगोशिएशन होने वाला होता है। नेगोशिएशन को देखने के लिए वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जमा हो गए होते हैं और तभी वहाँ पर लाइट अलायंस वाले आ जाते हैं और आकर हमेशा की तरह अपना फालतू का भाषण देकर आते हुए ये बताने की कोशिश करने लगे होते हैं कि वो दोनों अगर मर्ज हो जाते हैं तो दुनिया को कितना ज़्यादा भला होगा। उनकी सभी बातें सुनकर कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और उसके अगेंस्ट होते हैं, लेकिन तभी कुछ लोग उन्हें शांत करते हुए कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो यही सब बात थोड़ा हेल क्लियर के सामने कहकर दिखाना तो तब मैं मान जाऊँगा। ये सुनकर वो सभी लोगों का मुंह बंद हो जाता है। तभी वहां पर इंपीरियल सिटी का तीनों बिग फैमिली के हेड आ जाते हैं। उन्हें देखकर कुछ लोग बातें करने लगे होते हैं कि चैनवो कॉन्टिनेंट में सिर्फ यही लोग हैं जो कि लाइट अलायंस को राइवल कर सकते हैं। अगर ये तीनों फोर्सेस एक साथ हाथ मिला लेते हैं तो लाइट अलायंस के लिए मुसीबत हो सकती है। उनकी बातें सुनकर ली फैमिली का मैसेंजर सबसे कहता है कि हम लाइट अलायंस से काफी ज्यादा बेनिफिट को रिसीव कर लिए हैं और होली मेडिसिन लैंड के मामले में हम लोग बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करने का फैसला कर लिए हैं। सुन फैमिली का मैसेंजर भी कहता है किसे पता है कि उनके पास सच में मेडिसिन लैंड को खत्म करने का पावर हो सकता है। वांग फैमिली वाला कहते हैं कि हाँ, अगर वो लोग कोई मूव चल देते हैं तो शायद पूरा कॉन्टिनेंट भी उसका हो सकता है। उनकी बातें सुनकर लाइट अलायंस के लीडर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए सोचता है कि उतना ज्यादा बेनिफिट रिसीव करने के बाद भी यहाँ पर आकर तमाशा कर रहे हैं ये लोग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है क्योंकि अगर तुम लोग हाथ मिला भी लोगे फिर भी मेरे लाइट अलायंस को सप्रेस नहीं कर पाओगे। ये सब वो सोच ही रहे होते कि तभी वहां पर होली मेडिसिन लैंड वाले पहुंच जाते हैं। उनका शिप में से फैंग फैमिली वाले को देखकर लाइट अलायंस का लीडर काफी ज्यादा चौंक जाता है और होली मेडिसिन को देखकर सोच रहा होता है कि अब तक तो वो पपेट बन गई होगी, लेकिन तभी अचानक उसका आग को देखकर वो समझ जाता है कि वो अभी तक पपेट नहीं बनी होती है। वो जानकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। इसलिए वो अपने ही आप कुछ थ्योरी बनाने लगा होता है कि शायद वो लोग एक दूसरे को रास्ता क्रॉस नहीं किए होंगे। इतना सोचकर वो उनसे नेगोशिएशन करने के लिए शुरू करने की बातें करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही फेंग उससे कहता है कि नेगोशिएशन से पहले मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ जो मुझे पता है कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। गिफ्ट के बारे में सुनकर उसे कुछ गड़बड़ लगने लगा होता है और वो उनसे मना करते हुए कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो पहले नेगोशिएशन शुरू कर लेते हैं। फेंग कहते हैं इतना जल्दबाजी भी मत करो, उसकी बहुत ही जरूरत होगी तुमको। ये बोलकर वो उनके सामने उसके सभी लोगों को मारकर पीट कर रख देता है। उतने सारे लोगों को वैसा हालत देखकर तीनों फैमिली वाले काफी ज्यादा हैरानी से उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि आखिर वो लोग इतना ज्यादा ताकतवर थे, ऐसा कैसे कर दिया फैंग फैमिली वालों ने। दूसरे तरफ में वो देखकर लाइट अलायंस का लीडर भी काफी ज्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर कौन इतना ज्यादा पावरफुल था जिसने मेरे एलीट टीम को पीट कर रख दिया है। फैंग फैमिली के पास ऐसा स्ट्रेंथ है ही नहीं, अगर उनके पास ऐसा ताकत होता तो वो लोग इंपीरियल सिटी से कभी मूव आउट होते ही नहीं। और वांग को देखकर वो सोचता है कि कहीं ये उसी बंदे का काम तो नहीं है ना, मैं तो उसका असली पावर को भी देख नहीं पा रहा हूँ, अगर किस तरह का मॉन्स्टर ये बंदा है। इतना सोचकर वो वहां से भागने के बारे में सोचकर वहां से भागने लगा होता है, लेकिन उसका भागने देने से पहले फेंग उसे पकड़ लेता है और उसे भागने नहीं देता है। वो देखकर लीडर उससे पूछते हैं आखिर तुम्हें क्या चाहिए। फेंग उससे कहते हैं कि हमने अभी तक नेगोशिएशन किए नहीं है तो तुम भाग कहाँ पे रहे हो। उसकी बातें सुनकर लाइट अलायंस का लीडर अपनी बातों को काफी अच्छे तरह से तोड़ मरोड़ कर अपने आप को अच्छा बताते हुए इस कॉरपोरेशन को रोक देने के लिए कहता है। उसकी बातें सुनकर सभी ऑडियंस काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगे होते हैं कि आखिर वो इतनी आसानी से हार कैसे मान लिया। दूसरे लोग कहते हैं चलो कम से कम मेडिसिन लैंड तो बच गया है ना। उसका विड्रॉल से वो तीनों का तीनों फैमिली काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगे होते हैं कि उसने हमें काफी ज्यादा बेनिफिट दिया है, अगर वो लोग अभी विड्रॉ कर लेंगे तो हमारा क्या होगा। तीसरा कहता है ज्यादा पैनिक मत करो, पहले देखो कि आखिर होता क्या है। वहीं पर लीडर की बातें सुनकर फेंग उससे कहता है कि सिर्फ ऐसे बात नहीं चलेगी, अभी तक तो मैंने अपना फेंग फैमिली का हिसाब बराबर नहीं किया है। ये सुनकर लीडर थोड़ा सा पैनिक करते हुए कहने लगा होता है कि अगर तुम हिसाब बराबर कैसे करना चाहते हो। इसके जवाब में फेंग कहता है कि अपने लाइट अलायंस को डिसमेंटल करके इंपीरियल सिटी छोड़कर भाग जाओ। ये सुनकर लीडर काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है फालतू की बकवास करना बंद करो, मैं सिर्फ तुम्हारा दो चार शब्दों से लाइट अलायंस को डिसमेंटल नहीं कर सकता हूं, और वैसे भी लाइट अलायंस को ज्वाइन करने वाले गॉड्स के फेवर लोग है। ये सुनकर फेंग उससे कहता है कि तुम अभी भी फेंक रहे हो, तुम हमें ये क्यों नहीं दिखाते हो कि तुम लोग कैसे जिंदा लोगों को यूज करके हेल क्लियर के पपेट बनाते हो। ये सुनकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जोर जोर से उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। सभी लोगों की बातें सुनकर लीडर काफी ज्यादा गुस्से में उससे कहने लगा होता है कि अगर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है ये साबित करने के लिए। फेंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम अपने हेडक्वार्टर को दिखाने की हिम्मत करते हो। उसकी बातें सुनकर लीडर की मुंह बंद हो जाता है और वो अपना दांत खींचते हुए सोचता है कि लगता है कि ये लोग हेडक्वार्टर से होकर आ रहे हैं, अगर ये मैटर फैल गया तो नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। इतना सोचकर वो उस पर चिल्लाने लगा होता है कि तुम डीमन हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो, वगैरह वगैरह करने लगा होता है। अपने लीडर की बातें सुनकर लाइट अलायंस का सभी लोगों ने चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो सब देखकर वांग काफी ज्यादा भड़क जाता है और अपना चप्पल से मारने जाता है, लेकिन उससे पहले फेंग उसे पकड़कर यूनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलकर उससे अपना ग्रज सेटल करने जाने के लिए कहता है। वो वांग को समझा ही रहा होता है कि तभी लीडर उस पर पीछे से हमला करने आ जाता है, लेकिन फेंग उसे नोटिस करके खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। उसके काउंटर अटैक से लीडर कुछ कदम पीछे हो जाता
जाता है, वो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि वो तो सिर्फ एम्परर रीलम में ही है, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा पावर कैसे दिखा सकता है। उसका पावर को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगा होता है, लेकिन वो अपना कोई भी कमजोरी नहीं दिखाने के बारे में सोच लेता है। ये सोचकर वो अपने एक पावरफुल स्किल का यूज करके फैंग को हराने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ में हुआंग अपना चप्पल का यूज करके उसके सभी लोगों को पीट कर रख देता है। पीटने के बाद वो फैंग का हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं संभाल लूंगा। ये बोलकर वो अपना झांतियन का बैटल स्प्रिट वाला पावर का यूज करके उसके चंगुल से निकल जाता है। झांतियन का पावर को देखकर लीडर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने लोगों को नीचे पड़ा देखकर वो सोचता है कि पासा पूरी तरह से पलट गया है, मुझे जल्दी से होली माउंटेन जाकर सपोर्ट लाना पड़ेगा। ये सोचकर वो फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भागने देने से पहले ही हुआंग उसे देख लेता है और अपने चप्पल से उसे एक झापड़ लगा देता है, जिससे उसका दो चार दांत गिर जाता है और वो नीचे पटका जाता है। वो देखकर तीनों के तीनों फैमिली शॉक के मारे सदमा में ही चले जाने लगे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगे होते हैं कि आखिर ये मास्टर आया कहाँ से है, और वो तो उस फैंग बच्चे को अपना मास्टर भी बुला रहा है। वहीं पर फैंग उससे कहता है कि किसने तुमसे फाइट करने के लिए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं उसे अकेले संभाल लूंगा। वांग उससे कहता है कि मैं तो बस आपको बचाने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर फैंग लीडर का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्यों क्या हो गया, अब तुम्हारे पास खड़ा होने का भी ताकत नहीं बचा है क्या? उसकी बातें सुनकर लीडर उससे कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, अभी और भी ज्यादा ताकतवर लोग है जो कि तियानवे कॉन्टिनेंट में हमारा बदला लेने के लिए आ जाएंगे, तुम्हारा फैंग फैमिली मेडिसिन लैंड सबको वो लोग खत्म करके रख देंगे। उसका धमकी सुनकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और उसे मार देने के लिए चिल्लाने लगे होते हैं, लेकिन फैंग जल्दी से सभी लोगों को शांत करते हुए कहता है कि मैंने अभी तक पूरा क्वेश्चन पूछा नहीं है। ये बोलकर वो उससे पूछता है कि यहाँ पर सबके सामने ये बताओ कि क्या हेल्थ क्लियर ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे लाइट अलायंस का ग्रुप है, लेकिन उसका लीडर अभी भी उसे एडमिट करने से मना कर रहा होता है। ये सुनकर फैंग उससे कहता है कि अगर तुम इनोसेंट हो, चलो मैं मान लेता हूँ कि तुम इनोसेंट हो, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं तुम्हें वापस होली लाइट माउंटेन भेज देता हूँ। होली लाइट माउंटेन भेजने वाले बात को लेकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहां पर नहीं भेजने के लिए कहने लगता है। ये सुनकर फैंग सोचता है कि ये लोग सच में वापस जाने से काफी ज्यादा डरते हैं। ये सोचकर फैंग उससे कहता है कि अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगा। ये सुनकर वो अब सब कुछ सच सच बताते हुए कहते हैं कि हाँ, हेल्थ क्लियर को लाइट अलायंस वालों ने ही स्टेबलाइज किया था, उसका पर्पस मेजर फोर्सेस के एलिट बच्चों का खत्म करना था जिससे हम लोग उसे काफी आसानी से हरा पाएंगे। वो सब बताने के बाद लीडर फैंग से पूछता है कि अब तुम मुझे जाने दे सकते हो ना। फैंग उससे कहता है कि मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। लीडर पूछता है आखिर तुम चाहते क्या हो। फैंग उससे कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बोलकर वो सभी लोगों से कहता है कि जो लोग अपना बदला लेना चाहते हैं या फिर अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं वो लोग आकर अपना हाथ साफ कर सकते हैं। ये सुनकर लीडर काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाने लगा होता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। दूसरी तरफ में तीनों फैमिली अपना नाव बदलकर जल्दी से फैंग फैमिली का थैंक्स कर रहे होते हैं लाइट अलायंस को भगाने के लिए। लाइट अलायंस का साथ देने के लिए वो लोग माफी मांग रहे होते हैं और फैंग फैमिली को वापस इंपीरियल सिटी में वेलकम करने लगे होते हैं। इसके जवाब में फैंग फैक्ट्रीज कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग जो बोल रहे हो वो सच में करोगे, लेकिन अभी भी कुछ लाइट अलायंस के मेंबर है तो आप लोगों से मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को एक्शन लेना पड़ सकता है। वो लोग कहते हैं अफकोर्स हमारा फैमिली तो तियानवे कॉन्टिनेंट को गार्ड करने के लिए ही तो एग्जिस्ट करता है। तभी होली मेडिसिन लैंड का एक एल्डर सभी लोगों से कहता है कि लाइट अलायंस के अगेंस्ट में कोई भी मर्सी मत दिखाना। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद जब सभी का सभी नाटक खत्म हो जाता है तो फैंग को दिखाते हैं जहां पर होली मेडिसिन लैंड का एल्डर उससे कह रहा होता है कि अब जबकि सभी का सभी नाटक खत्म हो गया है और लाइट अलायंस वालों से छुटकारा मिल गया है तो क्या तुम्हारा होली मास्टर वाला बात को पब्लिक में अनाउंस कर देना चाहिए। फैंग कहता है कभी अनाउंस नहीं कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक बार अनाउंस करने के बाद पूरा तियानवे कॉन्टिनेंट को पता चल जाएगा कि मैं वर्चुअल मार्शल आर्टिस्ट का लॉर्ड हूं और मेरे पास डिवाइन मेडिकल बुक वाला बात भी एक्सपोज हो जाएगा, और वैसे भी हॉगमैंग रीलम वाला लाइट अलायंस अभी भी वहीं पर है और वो लोग जरूर काउंटर अटैक करेंगे। उसकी बात सुनकर एक एल्डर पूछता है तो क्या तुम्हारे पास उन्हें खत्म करने का कोई तरीका है। फैंग कहता है कि मैंने पहले ये कुछ एल्डर को मेंशन किया है और वो ये है कि हम हॉगमैंग रीलम में फार्मासिस्ट गिल्ड को स्टेबलाइज करके लाइट अलायंस को रिप्लेस कर देंगे। एल्डर कहते हैं ये काफी अच्छा आइडिया है, लेकिन उतने सारे लोगों को हॉगमैंग रीलम में लेकर जाना काफी आसान काम नहीं होगा। ये सुनकर फैंग वांग को बुलाकर उससे पूछता है कि हम लोग हॉगमैंग रीलम में लोगों को लेकर कैसे जाएंगे। वो कहता है कि मैं अपना चप्पल का यूज करके एक पैसेज ओपन कर सकता हूँ, लेकिन उसे सस्टेन करने के लिए मुझे एक चीज की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर सभी लोग हैरानी से पूछते हैं और वो क्या चीज है। इसके जवाब में वांग कहता है मुझे सोर्स स्टोन चाहिए होगा, और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।